बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैजू नट चॉकलेट नगेट्स की रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 100 ग्राम कैजू नट, 2.5 टेबलस्पून कोको पाउडर, 220 ग्राम कंडेंस मिल्क और 10 ग्राम मक्खन। अगर हमें मक्खन की ज़रूरत हुई तो हम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पैन को लो टेम्परेचर पर गर्म कर लिया है। अब हम इसमें काजू डालेंगे। दो मिनट तक इसको रोस्ट करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं काजू को रोस्ट किए हुए। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब उसी पैन में कंडेंस मिल्क डालेंगे। टेम्परेचर लो ही रखना है। अब इसमें कोको पाउडर भी डाल देंगे। अब अच्छी तरह मिक्स करना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। आप चाहें तो इसमें कोको पाउडर की जगह चॉकलेट भी मिला सकते हैं। अब हम इसमें मक्खन डाल देंगे। काजू डाल देंगे। अब उसको गाढ़ा होने देंगे। हमने इसमें मज़ीद 10 ग्राम मक्खन और ऐड किया है, इसलिए कि ये प्रॉपर थिक हो जाए और पैन में मेल्टेड मक्खन नज़र आए। अब थोड़ा सा इसको ग्रीसी करेंगे। अब इसको थोड़ा ठंडा करके इसमें डाल देंगे। अब इसको सही तरह रोल करना है ताकि इसका दोनों साइड से लेवल सही हो जाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठंडा होने के बाद और मज़ेदार लगेगा। इसको इस तरह कटिंग करनी है। दोनों तरफ से कैजू नट नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। इसको इस तरह काट लिया है। ये हल्का सा गर्म है। अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। थिक हो जाएगा नगेट्स की तरह और ये खाने में और भी ज़्यादा लजीज लगेगा। कैश्यू नट चॉकलेट नगेट्स तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे।